हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री कोर्सेज जो कि गूगल आपको प्रोवाइड करा रहा है। और सिर्फ फ्री ही नहीं है बल्कि उसके साथ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देख पाएंगे और सीख पाएंगे। और ऐसे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, जिस लिंक्स को फॉलो करके आप उन वीडियो और उन कोर्सेज तक जा सकते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा YouTube चैनल है जिस पे मैं आपको नई चीजें और नए कोर्सेज जो फ्री में अभी अवेलेबल हैं उनके बारे में जानकारी देता रहता हूं। साथ ही साथ हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड। उसकी कुछ वीडियोस अभी अपलोड हैं और बहुत जल्दी उसकी वीडियोस और शुरू होने वाली हैं। तो कुछ भी आगे बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली आगे की सभी वीडियोस आपको मिल सकें और आप उनसे फायदा उठा सकें। दोस्तों, आज का सबसे पहला कोर्स जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग का। दोस्तों, अभी के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बूमिंग करियर है और आप अगर इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग यहां से सीख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फायदा ये मिलेगा कि गूगल का ये सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा और गूगल ही की ये क्लासेस हैं जिससे आपको बहुत अच्छा सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है गूगल के जरिए। आप गूगल के बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसी में लिंक उनका अवेलेबल है। आप गूगल पे लिखेंगे गूगल डिजिटल अनलॉक्ड और या गूगल डिजिटल लिखेंगे तो आपको लिंक्स इसके मिल जाएंगे और आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। सिर्फ यही डिजिटल कोर्स नहीं बल्कि इसके अलावा आप यहाँ ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहले बता दूं, यहाँ पे जो लिस्टिंग की हुई है ये सारे कोर्सेज गूगल ही के नहीं है बल्कि अदर प्लेटफॉर्म्स के भी हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ कोर्सेज अदर प्लेटफॉर्म के भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, क्रिएटेड बाय फ्यूचर लर्न, इफेक्टिव नेटवर्किंग, द बिजनेस कम्युनिकेशन, क्रिएटेड बाय गुडविल कम्युनिटी फाउंडेशन। तो इसी तरह से यहां पे देखिए, ओपन क्लासरूम, ये देखिए द साइंस ऑफ वेल बीइंग, ये मेरे पिछले वीडियो में था, ये जो है येल यूनिवर्सिटी का है। सोशल फिजियोलॉजी वेजलियान यूनिवर्सिटी का है। तो इसी तरह से इसके अंदर जो लिस्टिंग है वो सिर्फ गूगल की नहीं है बल्कि अदर प्लेटफॉर्म्स की भी लिस्टिंग है। तो अभी मैं आपको बता रहा था गूगल के जरिए प्रोवाइड किए जाने वाले इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में। आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड करना है, साइन इन करना है अगर आप पहले से आईडी बनी हुई है, अदरवाइज आपको पहले रजिस्टर करना है। इसमें आप देख सकते हैं 26 मॉड्यूल्स हैं टोटल और 60 आवर्स की क्लास है। बिगनर लेवल का ये ट्यूटोरियल है यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया है और अभी इसमें कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो खास बात दिखाना चाहता हूँ ये कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपका अपना नेम भी प्रिंटेड होगा। दोस्तों, इसमें आपको करना कैसे होगा कि आपको इसके कंप्लीट 26 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद आपको एक एग्जाम देना होगा और फिर आपको अगर आपने वो एग्जाम पास किया तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद आप ये सर्टिफिकेट अपना अपने सीवी में शेयर कर सकते हैं या लिंक्डइन में शेयर कर सकते हैं या जहां कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाएं वहां पे आप इस चीज को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे सेशंस इसी से रिलेटेड हैं, डिजिटल मार्केटिंग के। आप एक एक करके सारे सेशंस को देख सकते हैं, काफी सारे सेशंस हैं। तो इस तरह से आपका ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद और दूसरे कोर्सेज हैं जो गूगल के ही हैं, जो स्किल शॉप पे अवेलेबल हैं, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। बट ये कोर्सेज जो हैं वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हैं। दोस्तों, एडवर्टीजमेंट आप खुद भी कर सकते हैं या इसके अलावा अगर आपको एडवर्टीजमेंट की नॉलेज है तो आपको बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज में इससे रिलेटेड जॉब भी मिल सकती है। इस जॉब में आपको करना यह होता है कि अलग अलग सर्च इंजन पर या गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको एडवर्टीजमेंट प्लेस करना होता है जो आपके क्लाइंट्स के जरिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला जो कोर्स है वो देख लेते हैं, ये क्रिएटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम है। दोस्तों, इसमें क्या सिखाया जाएगा आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहां पे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूं। यहां पे आपको जो है वेब डिजाइनिंग के अंदर क्रिएटिविटी कैसे लानी है, किस तरह से डायनामिक
डिजाइन बनाए जाएं, वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। इसी तरह से कैंपेन मैनेजर के अंदर कैसे क्रिएटिविटी लानी है, ये चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सीख सकते हैं, किसको ये चीज फायदा दे सकती है, ये कोर्स किसके लिए हो सकता है, वो चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर है कोई, क्रिएटिव डेवलपर है, डिजाइन एनिमेटर है, या इसी तरह से क्रिएटिव डायरेक्टर है। तो इस तरह से ये लोग सीखें तो इनके रोल के लिए ये चीजें अच्छी रहेंगी। इसमें भी आपको करना क्या है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है इस लिंक से जाके, और फिर उसके बाद आपको इसके लिए सर्टिफिकेशन एग्जाम देना है और फिर आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट कोर्स है कैंपेन मैनेजर सर्टिफिकेशन एग्जाम। दोस्तों इसमें आपको एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड ही सिखाया जाएगा। इसमें आपको प्लानिंग कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसे खिलाना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी चीजें भी आपको इसमें सिखाई जाएंगी। तो अगर कोई एजेंसी है जो एडवर्टीजमेंट में काम करती है उसके लिए ये अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इसके लिए कौन सा रोल सूट करेगा, यानी किसको ये करना चाहिए, ट्रैफिकर और एनालिस्ट को ये करना चाहिए। नेक्स्ट कोर्स इसी में है सर्च एड्स 360 सर्टिफिकेशन एग्जाम। दोस्तों ये कोर्स सिर्फ आपको एड्स प्लेस करना गूगल पे नहीं सिखाता है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजन पे सिखाता है। ये सिखाता है आपको कि आपका को अपने कैंपेन्स को किस तरह से गोल्स असाइन करने हैं, कैसे आपको ऑडियंस को टारगेट करना है, कैसे बिट्स लगानी है, या इसी तरह से कैसे उन कैंपेन्स को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज करना है, इसको कौन लोग कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। पेड सर्च डायरेक्टर, पेड सर्च मैनेजर, पेड सर्च सुपरवाइजर, पेड सर्च एनालिस्ट। तो ये भी एक अच्छा कोर्स हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स जो है वो है वीडियो एड्स रिलेटेड, डिस्प्ले एंड वीडियो 360 सर्टिफिकेशन एग्जाम। तो इसमें आपको वीडियो रिलेटेड चीजें दिखाई जाएंगी, इसमें आपको वीडियो से रिलेटेड चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे इसमें इन्होंने क्या बता रखा है वो चीजें आप यहां पहले पढ़ लेंगे। यहां पे क्या है कि आप इसके जरिए कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, इसी तरह से आप इसमें जो है अपने बजट के अकॉर्डिंग टारगेटिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें है। तो आप ये एग्जाम भी दे सकते हैं, इसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आपको शॉपिंग वेबसाइट्स के लिए अगर काम करना है तो उसमें एड्स को कैसे लगाया जाए उसके लिए कोर्स यहाँ पे आपको शॉपिंग एड सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आपको एड्स कैसे लगाना है शॉपिंग के लिए। नेक्स्ट कोर्स है गूगल एड्स वीडियो सर्टिफिकेशन। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे यूट्यूब के अंदर वीडियोस में, वीडियोस की फॉर्म में, इसी तरह से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर वीडियो की फॉर्म में एड्स प्लेस किए जाते हैं। तो इस कोर्स के अंदर आपको यही सिखाया जाएगा कि वीडियो के फॉर्म में एड्स को कहां और कैसे प्लेस किया जाए। दोस्तों ये सेशन आप कंप्लीट करके इसका भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कोर्स है वो है गूगल एड्स मेजरमेंट सर्टिफिकेशन। ये सारे कोर्सेज जो हैं आपको एड्स से रिलेटेड ही चीजें सिखाते हैं। आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करके और चीजें देख सकते हैं, इसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सेकंड लास्ट जो कोर्स है वो है गूगल एड्स डिस्प्ले सर्टिफिकेशन। इस कोर्स के अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा, आपको इसमें ये सिखाया जाएगा कि गूगल डिस्प्ले एड्स कैसे प्लान करना है, कैसे उसको प्लेस करना है, कैसे उसको टारगेट करना है, और इसी तरह से दूसरी और बहुत सारी चीजें एड्स रिलेटेड इसमें आपको सिखाया जाएगा। सेशंस को देख करके इसका असेसमेंट दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट गूगल एड जो है उसमें गूगल एड्स सर्च सर्टिफिकेशन। इसमें भी आपको एड्स रिलेटेड ही चीजें सिखाई जाएंगी। इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, इस तरह से आपको ये सिखाया जाएगा कि मार्केटिंग प्लान कैसे बनाना है, लीड्स कैसे इंक्रीज करनी है, ट्रैफिक कैसे लेके आना है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये सारे कोर्सेज मैंने आपको जो बताए हैं ये सब के सब गूगल प्रोवाइड करा रहा है। इसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है आपको, जो कि गूगल ही की तरफ से दिया जाएगा। तो गूगल का नाम अगर आप अपने रिज्यूमे में लगा देते हैं तो आपका रिज्यूमे वैसे ही ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी और एक जायंट ब्रांड है जिसका लगभग हर फील्ड में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर है।
तो जल्दी से जाइए और इन सभी कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके रोल को कौन सा कोर्स सबसे ज्यादा सूट करता है और इसमें आपको कौन सा कोर्स सबसे ज्यादा पसंद आया है। मेरा ओपिनियन जो है उसमें तो मैं अभी जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग अभी करनी है और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी डिजिटल मार्केटिंग से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि अभी के टाइम पे सारी चीजें इंटरनेट पे आ चुकी हैं और हर चीज अब इंटरनेट से ही होने वाली है और होने लगी है। ऑफलाइन मार्केट्स खत्म होने वाली हैं, बल्कि अभी आप देखेंगे कि इन लास्ट के 2 or 3 years में ऑनलाइन मार्केट्स इतनी ज्यादा एक्सपेंड हुई है और लोगों ने ऑनलाइन मेथड से इतना ज्यादा अर्निंग करना शुरू किया है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा रोल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बताए हैं जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग से रिलेटेड हेल्प कर सकती हैं, एड्स को लगाने पे हेल्प कर सकती हैं, जिनको सीख करके आप गूगल का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिएगा ताकि जिसके लिए ये वीडियो किसी भी वे में यूजफुल हो सके वो इसे यूज करे। और हमारा यूट्यूब चैनल जस्ट मेंटोर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।